फ्रेंड्स, मेरा नाम चक्रे सहरवार और मैं अपने यूट्यूब चैनल ऑटो पार्ट डिजाइन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कल हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसका जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट है आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम जो 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। चलिए देखते हैं क्या 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 करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया था। फिर इसमें हुआ क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की उपाधि दी गई थी, और लॉर्ड कैनन भारत के पहले वायसराय बने थे, ठीक है। एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया था, जिसकी कार्यकारिणी में 15 सदस्य रखे गए थे, जिसमें 7 सदस्य तो मनोनीत थे और 8 सदस्य निर्वाचित थे, ठीक है। फिर इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इसी अधिनियम में समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव चार्ल्स वुड को बनाया गया था। भारत के सचिव बने थे वो कौन बने थे, चार्ल्स वुड को बनाया गया था। इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए एक वुड डिस्पीच दिया, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना निर्धारित किया गया था। इसलिए वुड डिस्पीच को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। फिर इसके इतना होने के बाद 1861 का एक भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम में भारत की राजनीति कलकत्ता में केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, और वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 6 से 12 के मध्य रखी गई थी। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो दिया गया था, लेकिन वो 6 माह से ज़्यादा लागू नहीं होने वाला था, क्यों, यदि 6 माह से अधिक अवधि होती है तो वायसराय के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश 6 माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता। विभागीय वितरण प्रणाली लागू की गई थी, जो कि लॉर्ड कैनन के द्वारा की गई थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुधार की मांगें निरंतर बढ़ती गई, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया गया था, अर्थात बड़े उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी गैर सरकारी सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। बजट पर बहस करने का अधिकार तो इन्होंने दिया था, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया था। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें जॉन मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। इन्होंने सुधार कानून, जिनके प्रावधान थे, कुछ मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे, और एस पी सिन्हा को वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून भी कहते हैं, इसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 से प्रारंभ की गई थी। इसके भी कुछ प्रावधान थे, प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ, जनक लियोनेल कार्टिस। इनके विषयों का प्रारूप दो भागों में बांटा गया, पहला जो था वो आरक्षित था दोस्तों, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का शासन था, जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। इसमें प्रमुख विषय रक्षा, वित्त, जेल, पुलिस, विदेशी संबंध, ईसाइयों के कानून, अंग्रेजी शिक्षा, सिंचाई आदि रखे गए थे, जैसे स्थानीय शासन, मनोरंजन, कृषि, सहकारिता और पर्यटन। भारत में 2 सदनीय विधायिका बनाई गई, जिसका एक सदन केंद्रीय विधानसभा, जिसमें 104 निर्वाचित सदस्य और 41 मनोनीत सदस्य थे, तथा दूसरा सदन राज्य परिषद रखा गया था,
जिसकी सदस्य संख्या 60 रखी गई थी। इसमें भी मनोनीत 27 एवं निर्वाचित सदस्य 33 थे। ठीक है, ब्रिटेन में एक हाई कमिश्नर का पर सर्जन किया गया था। राष्ट्रमंडल देशों के साथ मिलकर कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। भारत इसका सदस्य सन 1949 में बना था। फिर इसके बाद फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। फिर महिलाओं को सीमित क्षेत्रों में मतदान डालने का अधिकार दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल सन 1921 से प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 1937 तक रहा। बाल गंगाधर तिलक ने इसे एक बिना सूरज का अंधेरा कहा। इसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक रॉयल कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया था। फिर जब इतना सब हो जाने के बाद सन 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और सन 1930, 1931 और 1932 के जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनको भी शामिल किया गया था। इन सभी को ध्यान में रखते हुए सन 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं भी थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, लेकिन प्रांतों में द्वेष शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया था। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। पहली सूची केंद्रीय सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची थी। फेडरल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी, जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिम्बी काउंसिल में संभव की जा सकती थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया और उत्तरदायी शासन का विकास किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान रखा गया था, जिसमें देशी रियासतों का मिलना ऐच्छिक रखा गया था। केंद्रीय एवं राज्य विधायकों का विस्तार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक ऐसी मोटर कार की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं। इसका लगभग 2/3 भाग आगे चल के हमारे संविधान में रखा गया था और यह अधिनियम अन्य की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो दोस्तों, ये था हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। सन 1858 से लगाकर 1935 तक के अधिनियम को हमने इस वीडियो में पढ़ा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ऑडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अच्छा ना लगे तब भी बताइएगा कि सर ये आपका अच्छा नहीं है और इसमें कुछ सुधार कीजिए, तो ठीक है, लेकिन बताइएगा ज़रूर दोस्तों। तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।